नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों, फाइनली डीवी की कट ऑफ आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोग जिन भी बच्चों ने एएलपी का पेपर दिया गया था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका था, बहुत से बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है इस दौरान, उसी दौरान रेलवे के कोलकाता बोर्ड ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फाइनल मेरिट लिस्ट प्लस डॉक्यूमेंट की लिस्ट, मेल लिस्ट प्लस स्टैंड बाई लिस्ट अपनी दे दी गई है, जिसमें एएलपी कट ऑफ, टेक्निकल क्लास कट ऑफ प्लस पीसीएम की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। जिसने भी एग्ज़ाम दिया है तो वीडियो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ऑफिशियल लिस्ट है, पूरी पूरी ऑफिशियल लिस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और जो भी चैनल में पहली बार विजिट करें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। हम सबसे पहले सबसे फास्ट कोई भी रेलवे जुड़ी अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट लेते आते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं और बात कर लेते हैं, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हैं, कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे आज की डेट में ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस डली हुई है। टू व्यू द कट ऑफ मार्क्स फॉर एडिशनल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन। देखिए अभी तो ये कट ऑफ की जो डीवी की कट ऑफ डली है, ये अभी इस वेबसाइट अभी डली है, लेकिन हालांकि एक दो दिन में हर वेबसाइट डल जाएगी, चाहे आपका इलाहाबाद हो, चाहे भोपाल हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे आपकी और भी जम्मू हो, चाहे किसी भी हो, हर जोन पर डल जाएगी। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 3 से 4 दिन का हर जोन पर आ जाएगी, जितनी भी हो आप बेफिक्र रहिए और टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, सब जोन पर। तो देखिए यहाँ पे दो लिस्ट आई है। पहली तो देखिए आई यहाँ पे जो दो, ये एज पर वैकेंसी है, और दूसरी वाली जो लिस्ट है वो मेन लिस्ट है। ये मेन लिस्ट है, वो वाली 50% एक्स्ट्रा, यानी कि वो वेटिंग लिस्ट है। तो देखिए इसमें देखिए काफ़ी सारे पोस्ट लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ पे कोड बाई कोड आप लोग मिला सकते हैं, यानी डीजल के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, फिटर के लिए, आप लोग यहाँ कोड बाई कोड मिला सकते हैं किस किस पोस्ट के लिए। मैं यहाँ आपको मेन पोस्ट बता सकता हूँ। देखिए जो आप नीचे आएंगे तो नीचे देखिए आपके लिए जो पोस्ट दी हुई यहाँ पे, अगर आप इस पोस्ट के मिलाइए 112, ये जो आपके पोस्ट है ये आपके एएलपी की पोस्ट हैं सारी, दिस फॉर एएलपी, यानी 123 आपकी 71 जो कट ऑफ गई है, ये दिस इज फॉर एएलपी, ठीक है। ये पोस्ट आपकी एएलपी के लिए है, आप ये आपकी ये जोन आपके लिए कोलकाता जोन के लिए एएलपी के लिए पोस्ट है। और वहीं अगर बात कर ले हम लोग आपके लिए, यहाँ पे आ जाते हम लोग एएलपी के लिए, एएलपी के लिए, और उसके बाद जो एएलपी के लिए यूआरई कट ऑफ गई है वो गई है 71.27 गई है आपकी, और 71.25 गई है। वहीं अगर बात करें आप सेकंड वाले के लिए 73.32 गई है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इसमें दो तरह के शेड होंगे तो उसमें अलग अलग गई है। वहीं अगर बात करें ओबीसी के तो 61.67 गई है, और 60.23 गई है, और 62.550 गई है। वहीं बात करें अगर एससी की तो लगभग गई है 49.52, 48.06 और 47। वहीं बात करें अगर इस कोटे की तो ये है आपका ओबीसी कट ऑफ, तो ओबीसी कट ऑफ की भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओबीसी कट ऑफ लगभग जनरल से ज़्यादा गई है इस बार, कट ऑफ 64 गई है, 62 गई है और 62.,, यानी ओबीसी कट ऑफ लिटिल बिट एससी से ज़्यादा गई है, वो तो जाहिर सी बात ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और ये आपकी एक्स सर्विस मैनी कट ऑफ भी ज़्यादा गई है, इतनी संभावना नहीं थी हम लोग को कि जाएगी, 64 नंबर गई है और लगभग 60 नंबर। देखिए वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के पूरे चांसेस हैं भी। अब बात कर लेते हैं पीसीएम की, जिसकी पूरी बहुत सारी आशंका थी कि 80-90 नंबर तक जाएगी कट ऑफ, जो कि देखिए एक्सपेक्टेड गई 98 नंबर तक कट ऑफ गई है। तो देखिए ये है कट ऑफ आपकी 134, 136, 136। आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये वाली जो कट ऑफ है आप देख लीजिए, ये वाली जो कट ऑफ है आपकी 190 वाली कट ऑफ है, 91 मार्क्स गई जनरल के लिए, 95 नंबर गई है, 98 नंबर गई है जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं बात करें अगर एससी कैटेगरी के लिए 85 नंबर, 87 नंबर, 90 मार्क्स गई है एससी के लिए। एसटी के लिए बात करें अगर हम 72 मार्क्स, 72 नंबर, 83 नंबर एसटी के लिए। ओबीसी की बात करें तो लिटिल बिट कम गई है, 87 नंबर गई है, 88 नंबर, 92 नंबर, 87 नंबर, काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ गई है ओबीसी के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें तो और भी ज़्यादा गई है, 135, 138, 78 नंबर गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, और 67 नंबर भी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। बाकी ये जितनी भी कट ऑफ दी गई हैं, ये सारी की सारी कट ऑफ आपकी जो हैं
ये गई है पोस्ट वाइज दी गई है, जो भी आपका पोस्ट कोड है, डीजल मैकेनिक्स है या आप टर्नर है फिटर है, उस हिसाब से आप कोड अपना मेंशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एक एक पोस्ट वाइज बताने में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग अपना पोस्ट वाइज पोस्ट चेक कर सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए भरा था, उस पोस्ट के अगेंस्ट में क्या कट ऑफ रही है। तो देखिए मिनिमम कट ऑफ 40 भी देखने को मिल रही है, 42 देखने को मिल रही है, लेकिन 40 से कट ऑफ नहीं होगा। देखिए बेसिकली 40 तो मिनिमम क्राइटेरिया पास का था, तो 40 से कट ऑफ कम देखने नहीं मिलेगी। यू आर कैटेगरी के लिए 40 से कम कट ऑफ नहीं होगी और एसटी के लिए 25 से कम देखने को नहीं मिलेगी कट ऑफ। तो आप लोग के लिए पूरी पूरी लिस्ट दे दी गई है हर के लिए कट ऑफ कितनी रखी गई है, किसी किसी जगह पे आपको मैक्सिमम कट ऑफ देखने को मिल सकती है, लेकिन एएलपी की मैंने कट ऑफ बता दिया आपको 70-71 रही है, और आपकी एसटी मैंने सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन आपको 90+ बता दी है, और आप बाकी आपकी टेक्नीशियन कट ऑफ जो रही है आपकी बाकी टेक्नीशियन का आपको बता दी है। अब आप एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये तो होगी आपकी जो एज पर द वैकेंसी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है। अब देख लेते हैं जो जिन बच्चों का मेन लिस्ट में नहीं आया है, जिनका वेटिंग लिस्ट रखा गया उनकी कितनी कट। तो देखिए ये है वेटिंग लिस्ट, यानी कि 50% एंड अबव वाले बच्चों की ये वेटिंग लिस्ट है पूरी पूरी। तो देखिए स्टार्टिंग से इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो बात के सबसे पहले बात कर देंगे एएलपी की। तो देखिए हमने वहाँ पे देखा था लगभग 70 मार्क्स थी आपकी एएलपी वाले बच्चों की कट ऑफ, जो 71 मार्क्स। अगर आप बात करें वेटिंग लिस्ट को, लगभग 64 मार्क्स गई है आपकी कट ऑफ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट, लगभग 7 मार्क्स का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। 64 मार्क्स गई है यहाँ पे एएलपी कट ऑफ जनरल की, 64 मार्क्स, 65 मार्क्स, 64 मार्क्स, तो ये लगभग आपकी एएलपी कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट वालों की। 54, 55, 55 ये एससी के लिए, 38, 40, 38 ये एसटी के लिए, 56, 57, 57 ये गई है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और ईड आपके यहाँ पे कोई भी सीट्स नहीं है। नेक्स्ट अगर बात कर ले हम लोग आपकी जो मेन जो गई है यहाँ पे आपके एसएनटी वालों के लिए, एसएनटी के देखिए यहाँ पे हल्की सी आप थोड़ी सी आप जैसे मान ले पीसीएम कैटेगरी के लिए थोड़ी कम गई है, लेकिन कम नहीं ले सकते। 87.86 नंबर गई है आपकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ, 88 नंबर गई है आपकी जनरल कैटेगरी, 89 और 89 काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है। वहीं बात करेगा एससी की तो 84.5 हम लोग इस जोन की बात कर रहे हैं, 84 84। वहीं बात करेगा एसटी की तो 71.20, 71.59, 72.15। अगर ओबीसी की बात करें 85.79, 85.79, 86.65, 85.65, 85.65। बाकी सारे टेक्नीशियन कट ऑफ है, आपने जिस भी जोन में जिस भी जैसे भरा हुआ आप वो आप क्राइटेरिया दे सकते हैं, आपने जो भी जिस भी पोस्ट पर भरा हुआ अगर आप उस पोस्ट को क्वालिफाई कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, जॉब से कोई भी आपकी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अभी तो ये कट ऑफ आई है, अभी फाइनल कट ऑफ आपकी आ चुकी है, तो डेफिनेटली अगर आप जॉब क्वालिफाई कर रहे होंगे तो आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। यही थी आपकी फाइनल कट ऑफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।